हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। और पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको राउंड एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, अब ये कैसे यूज होगा आइए समझते हैं। तो सबसे पहले पाइथन की आईडीई को ओपन करते हैं और यहां से ये देखिए, ये पाइथन की आईडीई मैं ओपन कर रहा हूं, ये ओपन हो गया। अब यहां पर ये पाइथन की शेल है, पाइथन का होम पेज है, इसे पाइथन की शेल कहते हैं। लेकिन हमें पाइथन की शेल पे कोडिंग नहीं करनी, कंट्रोल एंड प्रेस करके नया पेज लेना है, ठीक है। अब ये नया पेज ले लिया, यहां पर ए नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं और यहां पर राउंड जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको यूज करूंगा। यहां पर कोई वैल्यू मैं डाल देता हूं, ठीक है। वैल्यू में क्या डाल देता हूं, लाइक यहां पर लिख दिया 5.7789, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, वैल्यू में ये लिख दिया। और इसको जीरो अंकों तक अगर मैं राउंड कराता हूं तो क्या आएगा, यहां पे जीरो लिख दिया, देख सकते हैं ये जीरो लिख दिया है। और यहां पे प्रिंट करवा देता हूं ए को, ठीक है। राउंड एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। F5 करके इसको सेव करेंगे तो यहां पर मैं round राउंड के नाम से सेव कर लेता हूं। .py लगाना जरूरी, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है, एंटर करके इसको सेव करिएगा। तो यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आया 7 आया लास्ट में, तो ये जब भी 0.5 से अधिक देंगे या 0.5 देंगे और जीरो अंकों तक राउंड कराने की कोशिश करेंगे तो ये जो है आगे बढ़ा देगा, यानी 6 कर देगा उनको। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं 5 भी दे देता हूं तो भी इस स्थिति में इसका आंसर 6 ही आएगा। देखिए यहां पर इसको दोबारा से रन करवाता हूं तो भी देखिए 6 आ रहा है, समझ में आ रही है बात। अगर क्या होगा, अगर मैं यहां पर इसको 2 अंकों तक राउंड कराऊं, 1 अंक तक राउंड कराऊं, तो यहां पर 2 अंकों तक राउंड करा के दिखा देता हूं। तो F5 करके सेव करेंगे और यहां पे रन हो गया। तो यहां देखिए ये 5.57 है ना, तो ये 5.78 बन जाएगा, समझ आई बात। 5.58 बन जाएगा, 78 नहीं बल्कि 58 बन जाएगा, 57 था तो 58 बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये काम करेगा। अगर मैं इसको 3 अंकों तक राउंड कराऊं तो क्या होगा, ये 3 अंकों तक राउंड कराया, ठीक है। F5 प्रेस करते हैं और यहां पे इसको एंटर करते हैं, तो जैसे ही एंटर करेंगे ना तो 5.57 और ये जो 8 है ना ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ आई बात। इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।